महाबला महावीर्य महासत्य महापराक्रमा सर्वाग्रे क्षत्रिय जट्टादेव कृपा दृढ़व्रता देवों के देव महादेव के द्वारा संस्कृत में उच्चारित इस श्लोक का अर्थ है, जाट महाबली है, महावीर्यवान और बड़े पराक्रमी है, क्षत्रिय प्रवृत्ति क्षितिपालों के पूर्व काल में ये जाति ही पृथ्वी पर राजे महाराजे रही है। जाट जाति देव जाति से भी श्रेष्ठ है और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले है। आइए अब एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश जाट समाज पर। प्राचीन काल से युद्ध कला में निपुण व मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से जुड़ी रही वचन कर्तव्य निष्ठा व सच्चाई से चलने वाली कौम है। हमारा जाट समाज दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों पर वास करने वाली जाट कौम मध्य एशिया के मैदानों से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई है। अच्छी जमीनों पर खेती करने के शौक की वजह से हमारी कौम समय समय पर पलायन करके नई उपजाऊ जमीनों तक अपने आप का विस्तार करती रही है। यह कौम कमर पर तलवार बांधकर खेती करने वाली कौम है। जाट उपजाऊ जमीनों पर खेती करते थे और आक्रांताओं से इस जमीन को बचाए रखने के लिए जाट कौम ने कई युद्ध भी किए। हमारी कौम बहादुरी की मिसाल लिए भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट के रूप में सदैव हमें गौरवान्वित करती रही है। पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में बर्मा तक जाट बलवान जय भगवान का विजय युद्ध घोष गूंजता आया है। जाट समुदाय भारत में मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात और आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में बोली के अंतर की वजह से ये जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में जाट जाति अन्य प्रदेशों से बहुयात संख्या में व्यवसाय व खेती किसानी हेतु आए और यहीं बस गए। नर्मदा नदी ने उन्हें आकर्षित किया और वे नरसिंहपुर होशंगाबाद सहित नर्मदा के तट पर स्थित हरदा देवास इंदौर धार उज्जैन रतलाम मंदसौर नीमच सीहोर बड़वानी खरगोन जिले में बसे। इन क्षेत्रों में उनके पास अच्छी खासी जमीन है। साथ ही ग्वालियर भिंड दतिया मुरैना शिवपुरी श्योपुर विदिशा रायसेन इंदौर भोपाल में पूर्व से ही बसे हुए हैं। हमारी भाषा और संस्कृति मारवाड़ी एवं ब्रिज है जो राजस्थानी से काफी मिलती जुलती है। लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज को हम सब आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी जाति के लगभग 216 गोत्र पाए जाते हैं। वहीं हमारी जाति 42 जिलों में निवासरत है जिनकी संख्या अनुमानित रूप से 29 लाख है और हमारी जाति 18 विधानसभा क्षेत्र में बाहुल्य रूप से है। यहाँ जाटों में राणा ठाकुर और पटेल तीनों टाइटल मिलेंगे। हमारे प्रदेश जाट समाज के गौरवशाली इतिहास से भरा पड़ा है। चंदेरी राजा पूरनमल को भला कौन भूल सकता है जिन्होंने बाबर को हराया था, तो वहीं गोहद नरेश भीम सिंह जी राणा की अलग ही पहचान है। देवास और हरदा की सीमा पर नर्मदा के बीच बना प्राचीन किला आज भी जोगा व भोगा भाइयों की बहादुरी की अमर गाथाएं गा रहा है। तो नरसिंहपुर में जाटों द्वारा निर्माण कराए गए नरसिंह मंदिर का आकर्षण आज भी विद्यमान है। छठवीं शताब्दी में वीरक गोत के महाराजा यशोधर्मन ने मंदसौर की राजधानी बनाकर प्रथम खाप पंचायत की थी, इसलिए खाप पंचायत की शुरुआत करने का श्रेय भी मध्य प्रदेश की धरती को ही जाता है। इस खाप सेना के सहारे जाट सम्राट यशोधर्मन वीरक ने हूणों के आक्रमण को नेस्तो नाबूद किया था और आक्रांता हूणों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ा था। हूणों को हराने के बाद सम्राट यशोधर्मन का शासन पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक हो गया था। सम्राट यशोधर्मन का विजय स्तंभ 1500 साल से आज भी मंदसौर की सोंदिन में शान से खड़ा है। पंजाब के मालवा प्रांत की तरह ही मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत को भी मालवा नाम मलही या माली शासकों द्वारा दिया गया है। इन्हीं मली जाटों ने हिंदुस्तान से वापस लौटते सिकंदर पर छापामार तरीके से हमला करके उसे मौत के घाट उतारा था।
आज ये देश और ये संस्कृति केवल जाट राजा विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। आप ही ने विक्रम संवत की शुरुआत भी की, जब भारत में सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में था, तब महाबली महापराक्रमी जाट राजा विक्रमादित्य ही थे जिन्होंने सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखा। और अब जाटों की सामाजिक राजनीतिक एवं शैक्षिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित इस जाट महाकुंभ में पधारने के लिए आप सभी का साधुवाद, वहीं धन्यवाद उन नौजवानों को जिन्होंने इस वैचारिक क्रांति को जन्म देकर हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और इस दिन को ऐतिहासिक बनाया। जय वीर तेजाजी महाराज की। जाट बलवान, जय भगवान। धन्यवाद।